चींटी और टिड्डा। एक टिड्डा नाचते गाते वसंत ऋतु का मजा ले रहा था। अचानक उसकी नजर एक चींटी पर पड़ी। वो चींटी बहुत ही मेहनती और परिश्रमी चींटी थी। चींटी अपने सिर पर एक मकाई का दाना लेकर घर जा रही थी। टिड्डा चींटी से बोला, क्यों इतना मेहनत करती हो? आके मेरे साथ बैठो और गप्पे लड़ाओ। चींटी बहुत ही होशियार थी। उसने टिड्डे से कहा, मैं बारिश के दिनों के लिए खाना इकट्ठा कर रही हूँ, तुम्हें भी वही करना चाहिए। अगर तुम अब भी मेहनत नहीं करोगे तो अपने परिवार और खुद के लिए क्या जमा करोगे? टिड्डे ने चींटी से कहा, तुम क्यों इतना चिंतित रहती हो? अभी से बारिश के दिनों की चिंता क्यों करती हो? अभी के लिए तो हमारे पास बहुत सारा खाना है। पर चींटी बहुत ही होशियार चींटी थी। उसने टिड्डे की कोई भी बात पर ध्यान नहीं दिया और अपना काम जारी रखा। उम्मीद से पहले बारिश का मौसम शुरू हो गया। बेचारा टिड्डा, उसके पास रहने के लिए जगह भी नहीं थी और खाने के लिए भी कुछ नहीं था। वो बहुत ही परेशान हो गया था। वो मदद के लिए चींटी के पास गया। टिड्डे ने चींटी से कहा, चींटी जी, आप मेरी मदद कर दोगी? तब चींटी ने कहा, क्या तुम्हें याद है तुम थोड़े दिनों पहले मुझसे क्या बोले थे? पर चींटी बहुत ही अच्छे दिल की थी। उसने टिड्डे को रहने के लिए जगह दी और खाना भी दिया। टिड्डे को अपनी गलती का एहसास